हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल इन योर इंग्लिश क्लास स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर लेसन टू द फियरलेस फाइटर ऑफ यूनिट थ्री यस बेटा द फियरलेस फाइटर लेट्स गो थ्रू द हेडिंग फर्स्ट द फियरलेस मीन्स जो नीडर हो जिसे डर ना लगे एंड फाइटर मीन्स योद्धा एक ऐसा निडर योद्धा जिसके पास डर फटकता भी नहीं है बेटा जो बिल्कुल फियरलेस है ठीक है अब आगे देखें हम इस लेसन में क्या है लेट्स गो थ्रू इट सच एन इंटरेस्टिंग हेडिंग इज दिस यस बेटे जानकी फेल्ट हर माउथ गोइंग ड्राई कहता है जानकी को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका मुंह जो है वो सूखता जा रहा है शी ट्राइड नॉट टू लुक नर्वस एज शी फेस्ड द ऑफिशियल्स ऑफ द इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन अब उसने बेटा ये बहुत कोशिश की थी कि वो नर्वस नहीं दिखे बेटा नर्वस होता है अनकंफर्टेबल जब आप किसी के सामने बिल्कुल अस असहज महसूस करते हो फीलिंग अनकंफर्टेबल महसूस करते हो अब वो किन के सामने खड़ी थी किनको फेस कर रही थी इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन के ऑफिसर्स को ठीक है तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील ना करे तो वो ये पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं बिल्कुल भी नर्वस फील ना करूँ अब देखो हाउ कुड शी स्विम द चैनल वॉज द क्वेश्चन देट एवरी मोमेंट एवरी मेम्बर वॉन्टेड टू आस्क कहता है कि वो किस तरह से चैनल को स्विम करेगी अब इंग्लिश चैनल बेटा बहुत बहुत बड़ी आप एक इसको एक टाइप ऑफ ऑशन है ये बहुत बड़ा चैनल है इंग्लिश चैनल तो इसको पार करना कहता है स्विम करके कहता है ये कैसे पॉसिबल है इस लड़की के लिए तो ये क्वेश्चन जो है ना जो चैनल का हर मेंबर था वो पुट कर रहा था कि ये कैसे हो सकता है वो पूछना चाह रहा था हाउ इज़ इट पॉसिबल इज़ इट ओके नाउ लुक एट द पिक्चर दैट जानकी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन एंड वॉट लुक एट द रिएक्शन ऑफ द ऑफिसर्स दे रिमेन शॉकड वेन दे सॉ जानकी Yes, Beta. You can see that Janki is not a normal human being. A bag? The main hero of the fearless fighter is Janki. Next is Beta. They were shocked to see a physically challenged girl who had come all the way from India to England to participate in an event where she would need all her strength. And how could she achieve it being a polio patient? अब देखो अब जैसे उन्होंने देखा एक फिजिकली चैलेंज्ड गर्ल जो ठीक से चल भी नहीं सकती बिना सहारे के वो किस तरह से इंग्लिश चैनल को पार करेगी और वो लड़की शी हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम योर ब्यूटीफुल योर वंडरफुल कंट्री इंडिया वो आ, इंडिया से आई है कहाँ पर गई है इंग्लैंड में और कहाँ किस लिए गई है टू तो पार्टिसिपेट एक हिस्सा लेने के लिए इंग्लिश चैनल एसोसिए स्विमिंग एसोसिएशन में जाने के लिए वहाँ पर स्विमिंग कंपटीशन होना है वहाँ पर जाने के लिए वेयर शी वुड नीड ऑल हर स्ट्रेंथ अब बेटा आपको पता है कि स्विमिंग में कितनी स्ट्रेंथ लगती है अब उसको अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए यू नो एंड लुक एट हर स्टेट येस एंड हाउ कुड शी अचीव इट बींग अ पोलियो पेशेंट अब वो दोनों बात कर रहे हैं ऑफिसर्स कहता है ये कैसे पॉसिबल है कि वो अपने टारगेट को अचीव कर सके एज शी इज़ अ पोलियो पेशेंट वो पोलियो की पेशेंट है और उसमें तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए स्विमिंग करने में और वो भी इंग्लिश चैनल इतना ही चैनल जो है तो इट इज़ इम इट सीन्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ये कैसे हो सकता है इजिट होके तो वो शॉक्ड रह गए और उनका शॉक्ड रहना बेटा एक तरह से बिल्कुल ठीक भी है उस टाइम के लिए अब आगे देखो जानकी हैड बिन अटैक्ड बाई पोलियो वैन शी वॉज टू ईयर्स ओल्ड कहते हैं जानकी को पोलियो हो गया जब वो सिर्फ दो साल की थी एज अ रिजल्ट हर लेग मसल्स हैड बिकम सो वीक दैट शी कुड नॉट यूज़ हर लेग्स एटॉल अब बेटा देखो उसको उसकी लेग्स मसल्स इतनी वीक हो चुकी थी पोलियो की वजह से कि वो जो है ना अपनी लेग्स को जो है वो यूज़ भी नहीं कर पा रही थी और at all का मतलब है बिल्कुल भी नहीं वो अपनी लेग्स का बिल्कुल यूज़ नहीं कर पा रही थी एंड अब उसको इंग्लिश चैनल को पार करना है और उसमें आपको पता है स्विमिंग में जितना यूज़ हैंड्स का होता है उतना लेग्स का होता है अब शी इज़ अ पोलियो पेशेंट सो इट सीम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वॉट टू डू टू एवर विशेज टू स्विम द चैनल हैज टू फुलफिल टू कंडीशंस, वन ऑफ द मेंबर्स ट्राई टू एक्सप्लेन टू जान की अब देखो एक मेंबर अब ऑफिसर्स के सामने खड़ी है वो तो एक ऑफिसर कहता है कि जो भी इस चैनल में स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसे टू कंडीशंस को दो शर्तों को उसे मानना पड़ेगा उसमें कम से कम टू क्वालिटीज तो जरूर होनी चाहिए ठीक है ये yes, बेटा हेर वी गो विद यस सेट अ कॉन्फिडेंट जानकीकी अब जानकीकी एकदम कॉन्फिडेंट गर्ल थी बेटा अब इतना कॉन्फिडेंस कैलिवर है दैट इज़ वाई शी केम फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड यस तो जान जानकी कहती है यस yes, हाँ जी आई हैव बीन इंफॉर्म्ड दैट आई इफ आई विश टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट आई शुड बी एबल टू स्पेंड टेन आवर्स कॉन्टिन्यूसली इन द वॉटर कहती है जानकी कहती है यस yes, मुझे ये सूचित किया गया था इन्फॉर्म्ड होता है सूचित करना पहले ही बता देना मुझे ये सूचित किया गया था कि अगर मैं इस कंपटीशन में इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना होगा मुझे दस घंटे कॉन्टीन्यूसली बिना रुके कॉन्टीन्यूअसली होता है बेटा बिना रुके मुझे दस घंटे पानी में बिताने होंगे मतलब मैं इस लाइक like हूँ कि मैं टेन आवर्स तक पानी में कॉन्टीन्यूअसली स्विमिंग कर सकूँ एंड दैट आई शुड बी एबल टू स्विम इन द हाई सी फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट अ ब्रेक और मुझे ये भी बताया गया था कि मैं एक बहुत ही बहुत ही हाई सी जिसमें बहुत वेव्स बहुत हाई होती हैं बेटा एक काम सी नहीं है एक हाई सी है उसमें मैं बिना रुके और बहुत ज़्यादा घंटों तक कहते हैं कि मैं उसमें स्विमिंग करने के लायक हूँ आई नो दिस कंडीशन सर वो जो कहती है यस yes, सर आई एम अवेयर अबाउट दिज कंडीशंस अब आगे देखो डू यू थिंक यू कैन क्वालिफाई फॉर द इवेंट सेड अनादर मेंबर अब दूसरा मैंबर कहता है क्या तुम ऐसा सोचती हो कि यू कैन क्वालिफाई कि तुम इस इवेंट में क्वालिफाई कर सकती हो हेयर आर मैनी सर्टिफिकेट हेयर आर माई सर्टिफिकेट्स जान की सेड हैंडिंग ओवर द सर्टिफिकेट्स शी हैड अर्न ड्यूरिंग फोर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग माई गॉड बेटा देखो कितनी करेजियस गर्ल है वो वो कहती है सर देखिए ये रहे मेरे सर्टिफिकेट्स कहती है जो मैंने उसने वो सर्टिफिकेट्स हैंड ओवर करती है उनको कहती है ये मैंने कमाए हैं ये मैंने अर्न किए हैं बेटा कहती है मैंने चार साल की जो ट्रेनिंग ली है ना उसमें ये ट्रेनिंग के उसमें रिजल्ट में मुझे ये सर्टिफिकेट मिले हैं ये सर्टिफिकेट प्रूव करते हैं दैट आई एम एलिजिबल कैंडिडेट यस सर आई ट्रेन माई सेल्फ बाई स्विमिंग ट्वेंटी किलोमीटर्स अप स्ट्रीम डे कहती है मैंने अपने आप को ट्रेन किया है अपने आप को इतनी मैंने प्रैक्टिस दी है इस तरह से मैंने अपने आप को अभ्यासित किया है प्रैक्टिस दी है कि मैं 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम होता है बिल्कुल जो हाई स्ट्रीम जो वाटर होता है उसमें मैं बीस किलोमीटर हर रोज़ ठीक है एवरी फॉर थ्री वीक्स तीन हफ्तों तक इन द अरेबियन सी माय गॉड कहती है अरेबियन सी में मैंने प्रैक्टिस ली है कि मैं अरेबियन सी में हर तीन हफ्तों तक लगातार बिना रुके बीस किलोमीटर तक मैं हर रोज़ स्विमिंग कर सकती हूँ ये एज अ रिज़ल्ट मैंने ये जो सर्टिफिकेट मेरे मिले हैं ये मेरी प्रैक्टिस का मेरे इतने ज़्यादा कैलिबर का रिजल्ट है सर ये मैंने प्रैक्टिस की है एंड यू कैन सी द सर्टिफिकेट्स कहाँ पर उसने ट्रेनिंग ली है अरेबियन सी में कितने किलोमीटर ट्वेंटी किलोमीटर्स बेटा और हर रोज और कितने वीक्स तक थ्री वीक्स तक माई गॉड सच अ करेजियस गर्ल शी इज जस्ट डू अ little बिट क्लैपिंग फॉर हर Yes, बेटा शी इज सच अ वंडरफुल गर्ल दैट्स अ लॉट ऑफ करेज said वन ऑफ द एसोसिएशन मेम्बर्स कहता है इतना साहस अब एक एसोसिएशन मेंबर कहता है वाओ मींस वो भी सरप्राइज uh, होता है दैट्स नॉट ऑल जानकी स्माइल जानकी की स्माइल करती है कहती है सर सिर्फ इतना ही नहीं माय सर्टिफिकेट्स विल आल्सो शो यू दैट आई कैन स्विम फॉर टेन आवर्स कॉन्टीन्यूसली कहती है मेरे सर्टिफिकेट्स ये भी आपको शो करेंगे कि मैं हर रोज दस घंटे तक बिना रुके मैं स्विमिंग कर सकती हूँ ऑल ऑफिशियल्स ऑफ इंग्लिश चैनल एसोसिएशन वर इम्प्रेस्ड Finally, they had to give her the permission to swim. अब बेटा सारे जितने भी ऑफिसर्स थे इंग्लिश चैनल के वो इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि उन्हें आखिर कर ये सब उन्हें परमिशन देनी पड़ती है ये सब सर्टिफिकेट्स को देखने के बाद उसका करेज उसका कैलिबर देखने के बाद जानकी का उन्हें ये परमिशन देनी पड़ती है दैट शी कैन पार्टिसिपेट इन द इवेंट ऑफ स्विमिंग इन इंग्लिश चैनल इन इंग्लिश चैनल इज इट ओके बेटा ऑल द ऑफिसर्स ऑफ इंग्लिश चैनल एसोसिएशन अल्टीमेटली परमिटेड हर टू टेक पार्टिसिपेट इन द इवेंट ऑफ स्विमिंग Is it okay, Beta? Good. I hope up to here the lesson is quite clear to you. Thank you, Beta. Good.